स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीए तेजस के बारे में। डीआरडी द्वारा ऑफर किए जाने वाले जो इंडिजिनस वेपन पैकेज है और सेंसर पैकेज है उनको लेके बात करेंगे, जो कि प्रॉब्ली भारत के एलसीए तेजस के साथ ऑफर किया जाएगा एक्सपोर्ट पैकेज के रूप में। तो डीआरडीओ रिपब्लिक डे परेड के टाइम पे दो जो टैबलो हैं वो शोकेस करने जा रहे हैं। उसमें से जो पहला टैबलो होगा जो कि एलसीए तेजस के साथ साथ जो ईडब्ल्यू सिस्टम है, वेपन है, सेंसर है, उनको रिप्रेजेंट करेगा। और जहां पे सेकंड टैबलो रहेगा वो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए जो एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, उसको शोकेस करने जा रहा है। तो प्रामाण्य जो एलसीए तेजस है वेपन पैकेज है और जो ईडब्ल्यू स्वीट है जिसको इंडिजिनसली बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, उन सभी को लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सिस्टम हो जाता है वो एलसीए तेजस के लिए बनाए जाने वाले इसला उत्तम रेडार होगा, जिसको लेकर हम सभी अवेयर हैं कि ज्यादातर जो टेस्टिंग फेज है वो कम्प्लीट कर लिया गया है। उत्तम रडार पर जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी 350 आर से ऊपर हो चुकी है और फाइनली इस साल के Q1 में जो बाकी के ट्रायल हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो इसी भी यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है एलसीए तेजस के साथ। और वैसे भी आपके जो तेजस मार्क 1 होंगे उनका जो सेकंड बैच होगा उसे उत्तम के साथ ही डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करो डिटेक्शन रेंज की तो वो जाएगी अप टू 200 किलोमीटर तक और जो ट्रैकिंग रेंज है वो 155 किलोमीटर तक रहने वाली है, जो कि 2 मीटर स्क्वायर आरसीएस के लिए होगा। और जो मिनिमम रेंज है वो 0.5 किलोमीटर तक रहने वाली है। यहाँ पे मोड की बात करोगे तो एसएआर मोड, आईएसआर मोड, ग्राउंड ट्रैकिंग, जैमिंग प्लस जो सप्रेशन है वो ये दोनों कर पाएगा। और यहाँ पे अच्छा खासा जो ECCM है वो भी दिया गया है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, तो वो है आपका ASPJ यानी कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड। बनाया इसको DRDO क्लब DARE ने, जो कि 16 एलिमेंट एक्टिव TRM का इस्तेमाल करने वाला है। और ये एक एयर कूल सिस्टम है जहाँ पे एयर के इंटेक के लिए जो पोर्ट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो इसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है 8 प्रोटोटाइप की वो कर ली गई है, उनको टेस्ट किया जा रहा है और जल्दी इंडक्शन के लिए तैयार रहेंगे। प्लस जो आपका एक्सपोर्ट पैकेज होगा वहाँ पे भी ये जुड़ेंगे। पिक्चर में जो अगला एलिमेंट है वो SAW है यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। बनाया इसको DRDO के लैब RCI ने, स्पेशली इसको इस्तेमाल किए जाएंगे जो आपके एनमी के एयरफील्ड हैं उनको हिट करने के लिए। तो ये भी आपका जो एक्सपोर्ट वेपन पैकेज है एलसीए तेजस के साथ उसमें जुड़ा है। जो यहाँ पे अगला सिस्टम है वो आपका Rudram-1 है, जो कि एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये आपके एडवर्सरी का जो रेडार है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनको डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी आपके एलसीए के साथ जो एक्सपोर्ट पैकेज होगा उसमें रहने वाला है। अस्त्र के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक BVRAM है यानी कि बियॉन्ड रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी जो रेंज है ऑफिशियल रेंज वो 110 किलोमीटर का राउंड है। और ये किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वो वेस्टर्न हो या फिर रशियन हो। अगला सिस्टम यहाँ पे LRGB है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। पर्टिकुलरली जो DRDO का गौरव है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। गौरव के जो ट्रायल हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ मंथ पहले ही जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था। तो प्रॉब्ली आने वाले कुछ मंथ में ये भी आपके इंडक्शन के लिए तैयार रहेगा और इसको जल्दी LCA से भी फायर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं तारा के बारे में, यानी कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन के बारे में। तो अगर आप इसके नाम को देखते हो तो इसको डेवलप किया गया टैक्टिकल कॉम्बैट में हेल्प करने के लिए, स्पेशल मिशंस के लिए, जिसको आप लॉन्ग रेंज पे, एडवांस रेंज पे अचीव करना चाहते हो। यहाँ पे ऑगमेंटेशन का अर्थ हम सभी जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, कि अगर आप दो सिस्टम को एक साथ ले आते हो काम करने के लिए, यानी कि आप उसको ऑगमेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे की गई है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि दो सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे जो प्रेस रिलीज है उसने कह दिया है कि एक प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पे ऑगमेंटेशन होगा वो गाइडेंस किट का होगा स्टैंड ऑफ वेपन के साथ। तो एक ओवरऑल एस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो जो DRDO का PGHSLD है वो इस रोल में फिट बैठता है, जिसका जो वेरिएंट होगा LCA तेजस के लिए उसको तारा से इंडिकेट किया गया है। और वहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन होगा कि जो गाइडेंस किट है उसको आप चेंज कर सको। अगर आपको INS GPS रखना है तो आप रख पाओगे, अगर आपको SAL सीकर रखना है यानी कि लेजर सीकर रखना है तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जिससे कि जो CEP है वो 3 मीटर से कम की हो जाएगी। अगर आप INS GPS का इस्तेमाल करोगे तो जो CEP होगी वो लगभग 20-30 मीटर के अराउंड रहने वाली है। तो इस तरह के जो ऑप्शन है गाइडेंस किट के साथ वो आपको मिल जाएंगे, जिसका जो ऑगमेंटेशन है वो आप यहाँ पे कर रहे हो। तो इसकी भी जो टेस्टिंग है LCA तेजस से वो की जाएगी और उसको देखते हुए जो ऑफरिंग है पैकेज के साथ वो होने वाली है। अगर इसके रेंज की बात करते हो तो 30 किलोमीटर की रेंज रहेगी, ड्रॉप करोगे 10 km के ऑल्टीट्यूड से। अगर 2 km के ऑल्टी से ड्रॉप करोगे तो जो रेंज होगी वो लगभग 15 किलोमीटर तक जाएगी। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि जो आपका डाइव एंगल है वो कितना है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो पिक्चर इस्तेमाल किया गया है DRDO के इस पैम्पलेट में, ये पॉसिबली PGHSLD का जो विंग वेरियंट है वो हो सकता है। तो मुख्यतः इस बॉम्ब में दो चीजें रहने वाली हैं, एक स्मार्ट टेल यूनिट हो गया यानी कि STU, जो दूसरा है वो नोज एक्सटेंशन यूनिट हो गया। यहाँ पर टेल यूनिट में फिन्स के एक्चुएशन के लिए जो मैकेनिज्म है वो दिए गए हैं, और जो आपका नोज यूनिट होगा वो प्राइमरी सीकर को कैरी कर रहा है। सीकर के साथ जो एवियोनिक्स है वो भी वहाँ पे रहने वाले हैं, जैसे कि FCIEU, GCEU और ACEU।
अगर स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो जो स्पीड है वो 640 kmph से लेके 1 मार्क के बीच में रहने वाली है। CEP के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 30 मीटर से 3 मीटर के बीच तक जा सकती है, डिपेंड करेगा आपके सीका पे, क्योंकि यहाँ पर जो गाइडेंस है वो दोनों तरीके से की जा सकती है। वॉरड यहाँ पर दो तरह के रहने वाले हैं, हीट फ्रेगमेंटेशन और ETM फ्यूज के साथ। जहाँ तक बात आती है टारगेट की, तो जो ग्राउंड पे आपके फिक्स टारगेट हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये कॉम्पैटिबल है 230 MKI और LCA तेजस के साथ। तो मोरलेस आपके तारा में PGHSLD का जो वेरियंट है वो इंक्लूड होने वाला है। तो ये कुछ आपके मेन वेपन है जिसको आप ऑफर करने जा रहे हो इंडिजिनसली LCA तेजस के साथ, और जो बाकी के स्टैंड ऑफ वेपन होंगे वो इंपोर्ट करने वाले कंट्री के नेचर को देखते हुए प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि आने वाले टाइम में जो आपके ब्रह्मोस NG होंगे, अगर उनकी ही एक्सपोर्ट की बात करोगे तो वो सारे फैक्टर देख के उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।